बाबू निकले तो মানে দিতা নাছিল মানে মই কামৰ পৰা আহিছো যেতিয়া মানুহজনীয়ে মোক এনেকৈ জনাইছে কি এনেকৈ তেনেকৈ বাবা আহি কিনে আমাৰ ঘৰত এনেকৈ কৰি গ'ল মোৰ গাটো ভাল লগা নাই তো বোলো বাবা যদি আহিছে তো সেইবোৰ বস্তু কেলৈ লগ আছে বোলো ঠিক আছে মই বুজি নাপালোঁ তাৰ কথাখিনি মই লৈ ল'লোঁ এতিয়া বাবাটো দিলে মোক গোদৰেজ বন্ধ কৰি ল'লোঁ মই বোলো ঠিক আছে তুমি উলিয়াই দিয়াচোন মোক কি আছে মই যেতিয়া খুলি চাইছোঁ তো কাপোৰটোতো একোৱে নাই অকল কেইটামান আঙুঠিকেইটা আছিলে পাথৰৰ বাছ সেইখিনি তাৰপিছত এজনী ৱাইফে আমাক খুলিলে লকাৰটো চাইছোঁ তো এই কোনো একো এটাও বস্তুৱে নাই চব মই লগে লগে চালোঁ দাদাক কৰোঁ ডাঙৰ দাদাক এনেকৈ তেনেকৈ হ'ল ঘটনা বাবাকেইটা আমাৰ লুটি ল'লে বোলে মই ঘপককৈ ওলাই কিনে থানালৈ গৈছোঁ থানাত গ'লোঁ থানাত এজাৰ দিলোঁ তো ছাৰে আমাৰ লগত অলপ ওলাইছিলে বোলো ওচৰ ওচৰ ঘূৰি লওঁ বুলি তাৰপৰা চাওঁ যদি এইফালে আছে তো পাই যাম নহ'লে তুমি হেৰি কৰা তাৰপিছত মই গম পালোঁ কি আমাৰ গাঁৱত মানে এটা চি চি টিভি লাগি আছে গাঁৱত গোটেই ঘূৰিছিলে মই তাৰ ওচৰত গ'লোঁ চি চি টিভি ফুটেজটো উলিয়াই কিনে থানাত দিলোঁ থানাৰ পৰা ক'লে এতিয়া সবফালে বিটাই দিছোঁ বুলি ক'লে যিমান সোনকালে হ'ব খবৰ যদি পাওঁ জনাব আপুনি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে একো ওলোৱা নাই মোৰ তিনি লাখৰ ওপৰত আছিলে নেকলেছ আছিলে মানুহজনীৰ নেকলেছ আছিলে আৰু মাংটিকা আমাৰ মাথাত পিন্ধে মাংটিকা আছিলে মোৰ এটা গলা এনেকুৱা চেইন আছিলে আৰু মানুহজনী ইয়াৰিং আছিলে আৰু এটা নজ ৰিং আছিলে घर का पीछे में आया था तो मेरा दीदी से भिक्षा मांग रहा था तो दीदी ने मेरा 10 रुपये मांगा मुझसे कि दे दो आपको दे देगा बाद में तो मैंने अपनी दुकान से 10 रुपये निकाल के उनको देने के लिए गई हूँ यहाँ से तो बाबा ने बोला कि आप रख दो यहाँ पे तो उनका एक छोटा सा थैला था बाल्टी जैसा उसमें मैंने 10 रुपये रख दिया उसके बाद उसने ज़मीन से कंकड़ उठाया उसने मुझसे पूछा कि ये क्या है तो मैंने बोला कि कंकड़ है तो उसने बोला कि अपना हाथ में रखो इसको उसने मेरे हाथ में रख दिया तो उसके बाद में वो कंकड़ रेड कलर का इतना बड़ा सा पत्थर बन गया था उसके बाद फिर उसने मेरा हाथ बंद कर दिया तो बोला अभी जिस भगवान को मानते हो उस भगवान का नाम लो अपने मन में तो मैंने मनसा माँ का नाम लिया था याद किया था उनको तो उनका मूर्ति बन गया था पीतल का इतना बड़ा सा 3-4 इंच के साइज का उसके बाद उसने बोला कि सफ़ेद कागज़ लेकर आओ सफ़ेद कागज़ ला के उस मूर्ति को कागज़ में रख दो कुछ पैसे के साथ में तो मैंने अपने पर्स में से पैसा निकाला और मूर्ति के साथ में रख दिया तो उसके बाद उसने मुझसे बोला कि इसको जाके अपने लॉकर में रख दिया जाओ तो मैंने उसको उसको बाद में सुन ही रही थी उसने बोला लॉकर में रख के आ जाओ मैं लेके गई अपने लॉकर में रख दिया मैंने कागज़ को उसके बाद उसने मुझे बोला कि वापस से लेके आओ और उसको एक कपड़ा में बांध दो अपना आँचल में तो मैं वापस लेके चली गई उसके पास वो मूर्ति तो उसने मेरे दुपट्टा में उसको बांध दिया फिर बोला लाल कपड़ा लेके आओ लाल साड़ी में बांध देना तो मैंने उसको अपने साड़ी एक रेड कलर की साड़ी है उसको मैंने उसमें बांध दिया और फिर उसने उसी में बहुत सारा गांठ लगा के पूरा रोल करके मुझे वापस दे दिया बोला इसको अपने अलमारी में रख दो मैंने फिर रख दिया फिर वो मुझसे एक गिलास पानी मांगा मैंने उसे पानी दिया वो पानी पिया तो वो गिलास वाला पानी वो दूध बन गया अचानक से मैं देख ही रही थी वो दूध बन गया फिर वो दूध वाला पानी पूरा घर में उसने आंगन में मेरा पीछे से छिड़क दिया उसने उसके बाद फिर वो मुझे चावल लेकर आ गया वो बोला चावल ला के दो मुझे तो मैंने चावल ला के दिया उसे तो बोला 751 751 दाना चावल गिनती करो इसमें से तो उस समय बाबू मेरा परेशान कर रहा था तो मैंने गिनती नहीं किया फिर वो उसे मेरी दीदी भगा रही थी मेरी दीदी ने बोला कि जाओ तुम यहाँ से जाओ तुम यहाँ से वो उधर से जाके फिर यहाँ पे आ गया फिर मैं जिया से कुछ कुछ बात करने लग गया वो फिर उसने फिर मुझे बुलाया कि अपना बच्चा को लेके आओ उसको आशीर्वाद देना है तो फिर दीदी ने मेरा बच्चा को दूर हटा दिया बोला कि ज़रूरत नहीं है इसको आपने आपको दक्षिणा मिल गया आप जाइए यहाँ से तो उसने फिर वो कपड़ा मुझसे मंगाया फिर वो कपड़ा ला के मैंने उसको दिया फिर मैंने वो उसने कुछ नहीं किया ला के फिर बोला कि जाके इसको रख दो फिर मैंने उसको रख दिया मैं वापस फिर वो चला गया फिर मेरे हस्बैंड आए उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरा हाथ पैर पूरा कांप रहा है तबीयत ठीक नहीं लग रहा है एक बाबा आए थे उसने मुझे मूर्ति दिया उसने बोला लॉकर में रखो मैंने लॉकर में रख दिया
तो उसने बोला कौन सा मूर्ति दिया, क्या हो रहा है तुमको? तो फिर उसने बोला कि निकाल के दो मुझे, तो मैंने उनको निकाल के दे दिया। फिर उसने सारा गाँट खोला, गाँट खोला तो उसमें कागज़ में मूर्ति भी नहीं था, मैंने पैसे रखे तो उसमें पैसा भी नहीं था। फिर उसने खोल के देखा तो उसमें नकली अंगूठी, नकली पत्थर वगैरह वो सब थे। लॉकर खोल के मैंने साथ साथ देखा तो उसमें मेरा ज्वेलरी कुछ भी नहीं था, सारे ज्वेलरी कुछ सब कुछ चला गया। झुमका कान का बच गया था।